एज ए प्रोड्यूसर इस वक्त कितना मुश्किल है भोजपुरी फिल्म बनाना, क्योंकि आपने खुद बताया थिएट्रिकल फिल्में चल नहीं रही हैं भोजपुरी, क्या हिंदी भी नहीं चल रही है, बहुत कम चल रही है, इक्का दुक्का चलती हैं, और ओटीटी ज्यादा आ गया है, आप भी जियो सिनेमा पे अपनी फिल्म रिलीज कर रहे हैं, एज ए प्रोड्यूसर कितना मुश्किल है लागत निकालना कमाना? देखिए भोजपुरी का जो अभी जो दौर है उसमें लागत निकालना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऑडियो वीडियो सैटेलाइट का मार्केट बहुत ही बेहतर है। फिल्में जितने बन रही हैं, आम फिल्में जो बड़ी बजट की फिल्म होती है, जैसे मेरी फिल्में जितनी है सब बड़ी बजट की बनाते हैं हम लोग, तो उसका ऑडियो वीडियो सैटेलाइट से तो पैसे निकल जाते हैं। बट जो एक होता है ना कि फिल्म बनाने के बाद एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपको, फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, आपने जिस सोच से फिल्म बनाई वैसा पैसा है, तो उसके लिए प्रॉपर आपको थिएट्रिकल एक्सपीरियंस चाहिए। तो आजकल वो फिल्में तो चल नहीं रही उस हिसाब से, बट मुझे लगता है अभी जो फिल्में आई हैं इधर, 4-5 फिल्में इधर रिलीज हुई, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हुआ है, बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो अभी जो मुझे एक मेरी फिल्म मैंने माई जो बनाई है, वो हम लोगों ने थिएट्रिकल के लिए सोचा था, बहुत ही बेहतर फिल्म बनी है, बट जियो सिनेमा के साथ हमारा करार हुआ था, और जियो वाले क्योंकि वो चाहते हैं सिनेमा उनके मोबाइल में सीमित हो, बड़ी बड़ी फिल्म उन्होंने ब्लडी डैडी जो फिल्म उनकी थी 100 करोड़ से ऊपर की, हाँ उस फिल्म को भी उन लोगों ने डिजिटल प्रीमियर उस फिल्म का किया, तो उसका जो रुझान आया माई फिल्म का, एक एक थिएटर वाले एक एक ऑडियंस ने जो उस फिल्म के नीचे जो कमेंट किया उसके ट्रेलर के लिंक के नीचे या हम लोग के पोस्ट के नीचे, तो उससे लगा कि नहीं पब्लिक अच्छी फिल्म देखने के लिए थिएटर में बनाने वाला चाहिए। तो माई फिल्म से हमने ये जान गए कि दर्शक हैं हमारे दर्शक बने हुए गए नहीं है, उनको अच्छी फिल्म चाहिए। तो जो मेरी फिल्म है, मैं पर्सनली जो फिल्म बना रहा हूँ, इसके बाद मेरी फिल्म वाली विवाद थ्री, चिंटू जी, आम्रपाल जी और देश मिथिला रजनी जी डायरेक्टर हैं, भोजपुरी की जो सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी वो विवाह है। विवाह वन इज द बिगेस्ट हिट, विवाह टू इज द बिगेस्ट हिट, और ये सिर्फ थिएटर ऑल थिएटर में नहीं होती है, थिएटर और टेलीविजन सैटेलाइट सब जगह ब्लॉकबस्टर। 3 आ रही है उसमें पब्लिक जरूर आएंगे, रक्षाबंधन के आसपास रिलीज करने की प्लानिंग हम लोग की। उसके बाद एक फिल्म मैंने बनाई है कभी खुशी कभी गम, पूरा वो भी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, अगेन चिंटू जी हैं, डायरेक्टर प्रेमांशु जी हैं, आम्रपाली दुबे जो भोजपुरी की सबसे बड़ी हीरोइन है, संचिता बनर्जी जी, कुणाल सिंह जी महानायक भोजपुरी के, वो मतलब मल्टी स्टार फिल्म है, वो फिल्म आएगी वो भी लोग। अब उसके बाद ये फिल्म हमारी सूर्यवंशम है, तो ये पूरा इसमें एक्शन इमोशन ड्रामा सब कुछ है, हर वो चीज है जो दर्शक देखने के लिए थिएटर में जाएगी। तो मुझे लगता है कि थिएटर का दौर फिर से इन फिल्मों से चालू होगा, ऐसे काफी लोग और प्रयास कर रहे हैं। एक फिल्म अभी हर हर गंगे भी आई है पवन जी की, जिसका टीजर आया, बहुत ही एप्रिसिएटेबल टीजर है, बहुत ही अच्छा लगा है, तो वो फिल्म भी थिएटरिकल अच्छा कर सकती है। खेसाल जी की भी एक फिल्म आ रही है संघर्ष 2, उससे भी काफी उम्मीदें हैं क्योंकि कुछ अलग लग रहा है। फिर अभी फिल्म आ रही है प्रदीप पांडे चिंटू जी की, मेरी भी बात थी, और कभी खुशी कभी गम के अलावा उनकी अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म है अग्निसाक्षी, वो भी काफी अच्छी फिल्म बनी, उससे भी उम्मीद है। एक फिल्म आ रही है उनकी भारत बाग विधाता, मेरे मित्र हैं अनंजय रघुराज जी, उनके साथ मैंने फिल्म भी किया है, वो डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, तो उस फिल्म से भी उम्मीद है कि थिएट्रिकल लोग आएंगे। अभी दिनेश जी निरहुआ जी अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म बना रहे हैं लंदन में, निरहुआ हिंदुस्तानी 4, वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल सीरीज है। तो इन सब फिल्मों से थिएट्रिकल दौर आएगी वापस।